सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है घमंडी शेरनी। किसी जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके दो बच्चे थे। शेर जंगल का राजा होने के बावजूद बहुत मिलनसार था, लेकिन जंगल की रानी शेरनी बहुत घमंडी थी। शेरनी जंगल में बहुत अकड़कर चलती थी। वह सभी जानवरों से घमंड के साथ बात करती थी। उसे घमंड था कि वो राजा की पत्नी है। एक दिन शेरनी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बच्चे पास ही खेल रहे थे। शीघ्र ही खेलते खेलते बच्चे इधर उधर भटकने लगे। शेरनी को नींद आ गई। जब शेरनी की आँख खुली तो बच्चे वहाँ नहीं थे। उसने इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन वे उसे नहीं मिले। शेरनी ने बंदरों से पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरे बच्चों को देखा है? बंदरों ने कहा, नहीं रानी, हमने उन्हें नहीं देखा। शेरनी घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके छोटे छोटे प्यारे बच्चों को कौन लेकर चला गया। वो रोने लगी। शेरनी धीरे धीरे आसपास वाले इलाकों में अपने बच्चों को ढूंढने लगी, पर उसके बच्चे उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। शेरनी ने अन्य जानवरों से भी यही बात पूछी। एक भालू बोला, हमें क्या पता, आपने तो अपने बच्चों को हम जैसे छोटे जानवरों से दूर रहने को कहा। शेरनी रोने लगी। वह समझ गई कि उसके घमंड के कारण जंगल के सारे जानवर उससे नाराज हैं, इसलिए कोई भी उसका मदद नहीं करना चाहता। भालू बोला, रो मत बहन, तुम हमें छोटा समझती थी, इसलिए सभी लोग को बुरा लगता था। अब घमंड छोड़ो, चलो हम सब मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं। हाँ भाई, चलो। सभी जानवर जंगल में बच्चों को तलाश करने लगे। शीघ्र ही उन्होंने शेरनी के बच्चों को ढूंढ लिया। ये बच्चे खुशी से उछलने लगे और दौड़ दौड़ कर मम्मी के पास चले गए। वे नदी के किनारे एक कछुए के साथ खेल रहे थे। बच्चों को पाकर शेरनी बहुत खुश हुई। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सबसे माफ़ी मांगी और बच्चों को ढूंढने के मदद करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी भी व्यक्ति को या जानवर को खुद से छोटा समझना चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। अब हम मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप सब मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।